मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई के शहरी ईसा मोहम्मद अल फलासी ने 8 माहीगीरों को डूबने से बचा लिया, जबकि माहीगीरों के दौरान डूबने वाले 2 अफराद के निशान भी निकले। अल इमारात अल योम के मुताबिक दुबई पुलिस के कमांडर जनरल मोहम्मद अल मूरी की हिदायत पर दुबई पुलिस ने अमारती शहरी को अजीज से नवाजा है। उनको बार वक्त मदद करके 8 माहीगीरों की जिंदगी बचाने पर सराहा गया। बार वक्त मदद करके अल वतनी और इंसानियत नवाजी का मुशायरा किया। मोहम्मद अल फलासी ने इस मौके पर कहा है कि एक शहरी और मुशायरे के फर्द के हिसायत से अपनी इंसानी फर्ज अदा की है। अमारती शहरी ने बताया वो माहीगीरों के लिए समंदर में गए थे। इनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो काफ़ी फैसले पर लहरों में गिरा सुन हुआ था। इनके मुताबिक मैं फौरी तौर पर इसके करीब पहुंचा और लहरों के हिसार से निकाला। इसी दौरान पता चला कि एक कश्ती पर 9 और अफराद इसके हमरा मौजूद थे। इन्हें भी मदद की ज़रूरत है। फौरी तौर पर इनकी तलाश शुरू की और इनमें से 8 को बचाने में कामयाब रहा। ताहम 2 अफराद को नहीं बचा सका क्योंकि दोनों पहले ही दम तोड़ चुके थे। सऊदी अरब में 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 1000 चार्जिंग पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। ऑटोटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहम्मद खिजास ने कहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स पर 5000 तेज रफ्तार चार्जर फराहम करने का मंसूबा है। रियाज में पहले पॉइंट का इस्तेफा इसकी शुरुआत है। इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालकिन जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, इनमें से एक ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग पॉइंट महाविया नहीं है। मोहम्मद खजीज ने कहा है कि रियाज में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग की मज़ीद पॉइंट कायम होंगे। अल अरब के माहिर ने कहा है कि जज़ीरा अरब में कल मंगल से सर्दी की लहर शुरू हुई है। साबिक वेबसाइट के मुताबिक रात के वक्त और सुबह सवेरे मौसम सर्दी में इजाफा हो जाएगा। माहिर ने कहा है कि शुमाली इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जबकि बाहरीन अहमर के शहरी इलाकों में दिन के वक्त मौसम इतदाद पर रहेगा, जबकि रात को सर्दी मिल हो जाएगी। माहिरीन ने बताया है कि रावण हफ्ते के अख्ताम तक सर्दी की लहर में कमी होगी, जबकि वास्ते इलाकों में बारिश होगी। दूसरी तरफ सऊदी महकुमा मौसमियात ने कहा है कि खफदी दमाम जिल और अल खबर में सुबह 9 बजे तक धुंध रहेंगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत अवामी में होने वाले मारूफ सियासी मोबिसा जीत लिए हैं, जिसको उनके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी अहम समझा जा रहा है। खबर रसाई इदारे एसोसिएशन प्रेस के मुताबिक पीर को ट्रंप के हिस्से में आने वाले इस अहम कामयाबी, जहां रिपब्लिकन पार्टी की कामयाब सदरती मुहिम का आगाज हुआ है, वहीं इससे साबिक सदर और वोल्टर्स के दरमियान ताल्लुक की मजबूती भी सामने आई है। ट्रंप के कामयाबी का तनसुबा अभी सामने आ रहा है, ताहम रियासती बाहर से इनकी शदीद सर्द मौसम की बावजूद गिरजाघरों और कम्युनिटी सेंटर्स में होने वाले कैच अजलास में शिरकत के लिए पहुँचे। सिराज डेवलपर्स की शानदार पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से कुछ ही दूरी पर फार्म लैंड प्लॉट्स सिर्फ 5-7 लाख रुपए में 100 गज EMI की फैसिलिटी के साथ आरामगढ़ से 35 किलोमीटर और शमशाबाद एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलतों के साथ एक मुकम्मल शहर गेटेड कम्युनिटी BT रोड इलेक्ट्रिसिटी फुटपाथ चिल्ड्रन प्ले एरिया एवेन्यू प्लांटेशन क्लियर टाइटल स्पॉट रजिस्ट्रेशन 100% वास्तु 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। MNC कंपनीज जैसे नाटको फार्मा LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट TNG जॉनसन एंड जॉनसन विप्रो और अमेजोन के करीब बुकिंग जारी है। हमसे राब्ता करें। AK सिराज डेवलपर्स आपके खरों का शहर पिलर नंबर 259 बैक साइड SY फंक्शन हॉल ताज कॉम्प्लेक्स सेकेंड फ्लोर अतापुर RR डिस्ट्रिक्ट।